हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लाल है और आप जान गए हैं कि मैं यूट्यूब चैनल फितूर से बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं मेरे गांव, और इस गांव में मेरे घर का बाउंड्री है ये। और चूंकि इस पिछली बार खेती नहीं हुआ था तो यहां थोड़ा घास जम गया है और फसल नहीं है, तो बकरियां चल रही है यहां। एक दो बकरी, ये एक दो भैंस, और भी भैंस आते हैं, लेकिन फिलहाल बारिश की वजह से लोग भैंसों को चराने के लिए यहाँ नहीं ला रहे हैं। लोग घर पे ही चारा खिला देते हैं, जो भूसा वगैरह होता है या ग्रीन घास होता है वो खिला देते हैं। जब बारिश नहीं रहती है और ज़्यादा पानी नहीं रहता है तो ज़्यादातर लोग भैंसों को खुले में चराना पसंद करते हैं। ये इलाका मैदानी इलाका है, मधुबनी जिला बिहार में पड़ता है, और इस इलाके में ज़्यादातर जो ज़मीन होती है वो खेती की ही होती है, तो इसलिए यहाँ चारागाह नहीं होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे खेतों को तलाश करते हैं जहाँ किसी तरह का फसल ना लगा हो और वहाँ अपने जानवरों को चराते हैं। यहाँ आपने सुना होगा कि यादव फैमिली, सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि यादव फैमिली वो भैंस में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, पशुपालन उनका बेसिक पेशा है। तो मैं यहाँ दो बच्चे भैंस चरा रहे हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो यादव फैमिली से है या नहीं है। बहरहाल किसी भी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। हम भैंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये भैंस कितना दूध देती है, इनकी खुद की है। कई बार क्या होता है, भैंस वो लोग अधिया पे ले लेते हैं। अधिया मतलब यह, भैंस किसी और का होता है, खिलाते पिलाते खुद है, और कुछ उनका डिवाइड होता है कि बच्चे में इतना आपका इतना मेरा, दूध में इतना आपका इतना मेरा, इस तरह से। तो यहाँ पे एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, भैंस चरा रहे हैं। वो बच्चा एकदम भैंस के ऊपर लेटा हुआ है। मैं बचपन से ऐसा देखते आ रहा था, लोग भैंस के ऊपर लेटते आए हैं और मुझे अच्छा लगता था। मैं कई बार सोचा कि मैं भैंस के ऊपर लेटूं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हमारे घर में भैंस चराने का कल्चर नहीं है, और जब मैं इनसे कहता था कि आप मुझे भैंस पर लेटने दो तो ये लोग मना करते थे, कहते थे कि नहीं, हमारे जो मतलब गार्जियन हैं, फादर हैं, वो आपको हमसे नाराज़ हो जाएंगे, आप हमारे भैंस पर चलेंगे। बहरहाल मैं इस वक्त भैंस पर नहीं चढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है और शायद भैंस हमारे वज़न को संभाल न सके। तो बहरहाल ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं इनसे इनका नाम जानना चाहूँगा। आप यहाँ आएंगे बाबू? आइए आइए आइए, आ जाइए, आप आ जाइए, आइए आइए, इधर आइए। नाम बताओ, नाम यहाँ आ जाइए। हाँ, आपका नाम क्या है? डब्लू कुमार। डब्लू कुमार, आपका गांव कौन सा है? करवा। करवा से आए हैं आप? यादव हैं? मैं कमती। कमती हैं, अच्छा। तो आप मुझे बताएंगे कि ये भैंस की अमूमन कीमत क्या होती है? आमतौर पर भैंस कितने का बिकता है? 50-60। 50-60 हज़ार रुपये कीमत होती है भैंस की जो आप चरा रहे हैं। आपके पास कितनी भैंस है? एक भैंस है, अच्छा अच्छा। तो आपको पता है ये दूध कितना देती है? तो आप उसे भगा लीजिए फिर आइए, नहीं तो दूसरे के खेत में चला जाएगा। आ जाएं आप, जब तक आ जाएं आपसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा। आप मुझे बताएं भैंसों के बारे में, किस किस तरह की जातियां होती हैं, आप भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आइए, आपका नाम बताइए। आपका नाम क्या है? राजा कुमार यादव। राजा कुमार यादव, मैंने कहा यादव फैमिली से लोग, मैंने कहा ना, जैसा यादव फैमिली से ज़्यादा लोग पशुपालन का काम करते हैं। आप किस गाँव से हैं? ये भाई साहब भी करवा से हैं, ये इस तरफ करवा है, और बहरहाल नक्शे के हिसाब से जिस जगह पर हम खड़े हैं ये भी करवा है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास कितनी भैंस है? एक भैंस है इनके पास। अच्छा, आपको पता है ये भैंस कितना दूध देती है? 7 लोटा देती है। और लोटा का साइज पता नहीं है, 1 लीटर का होगा तो 7 लीटर, 1.5 लीटर का होगा तो 7 लोटा, यानी क्या, करीब 10 लीटर, 10.5 लीटर। बहरहाल इन्हें ठीक से लीटर में पता नहीं है, लेकिन लोटा का माप इन्हें पता है कि 7 लोटा दूध इनकी भैंस देती है। और आप तो एकदम उस पर जाकर के लेट गए, थोड़ा आइए, हमारे लोगों को बताइए भैंस के बारे में, पशुपालन के बारे में।
लोगों के अंदर रुचि रहती है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि वो जाने कि लोग गांव देहात में किस तरह से जीते हैं, उनका जीवन शैली क्या है। बात समझ रहे ना? तो मैं लॉकडाउन चूँकि लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ बिहार आ गया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जीवन शैली कम से कम बिहार की जो जीवन शैली है वो लोगों के साथ में शेयर किया जाए। आप थोड़ा वो मदद कर दीजिए, उनके भैंस को थोड़ा संभाल लीजिए दो मिनट के लिए, मैं इनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। जी जी, तो मतलब आपके कहने के हिसाब से कि ये 40,000 रुपये तक के आसपास का, 40,000 50,000 का एक भैंस आता है, बराबर ना? जी जी। और आपके पास एक सिंगल भैंस है जिसके ऊपर आप लोग डिपेंडेंट हैं। आपके फादर कुछ और भी काम करते हैं? आपके अब्बू जी, पिताजी कुछ और काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं वो? बॉम्बे। वो बॉम्बे रहते हैं इनके पिताजी, और ये गांव में भैंस चराते हैं। इनकी आपकी अम्मी भी आपकी मदद करती हैं, मदर आपकी माताजी आपकी मदद करती हैं भैंस में? जी जी जी। तो आपके पिताजी लॉकडाउन की वजह से यहाँ आए हुए हैं? हाँ। अच्छा, तो वो कब तक जाएंगे यहाँ से? अच्छा, इनका त्यौहार है कोई, उस त्यौहार के बाद ये जाएंगे, मतलब इनके फादर जाएंगे बॉम्बे जहाँ वो काम करते हैं, बॉम्बे काम करते हैं ना? किस चीज़ का काम करते हैं आपके पिताजी? गार्ड का। इनके पिताजी गार्ड हैं जो बॉम्बे में रहते हैं। लॉकडाउन क्राइसिस की वजह से जैसा कि पूरी दुनिया पे मार पड़ी है और यहाँ खास करके हम लोगों पे भी मार पड़ी है, मैं भी इसीलिए आया हूँ। बहरहाल बच्चा जो है वो थोड़ा शर्मा रहा है, माइक से और कैमरे से ज़्यादा फैमिलर नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जब मैं पहली बार माइक पकड़ा था या जब पहली बार मैं कैमरा पकड़ा था तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। बहरहाल मैं चाहूँगा कैमरामैन साहब से कि थोड़ा यहाँ आसपास का दृश्य दिखाएं, उसके बाद मैं बाय कहूँगा, अलविदा कहूँगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस बिहार के सफ़र को कंटिन्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।